हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टमक की, या तो फिर उसको हम और क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो स्टमक होता है उसमें दो लेयर्स होती है, म्यूकोसा एंड मस्कुलाइनस। ठीक है, अब जैसे म्यूकोसा लेयर जो होती है स्टमक की, जो वॉल होती है उसमें म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर्स में जो है आपकी चीफ सेल्स होती है, पेराइटल सेल्स होती है, सरफेस म्यूकोसल सेल होती है और म्यूकस नेक सेल्स होती है, और लास्ट में होती है जी सेल। ये चार पांच टाइप की सेल जो है आपके म्यूकोसा लेयर में मिलती है स्टमक के। तो सभी सेल का अपना अपना काम है। जैसे चीफ सेल की बात करें तो चीफ सेल क्या करती है कि ये पेप्सिनोजेन बनाती है, ये पेप्सिनोजेन बनाती है। और पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, किसमें, पेप्टाइड्स में। तो आप बोल सकते हो कि पेप्सिनोजेन इट कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन एंड पेप्सिन विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड्स। ठीक है, तो चीफ सेल क्या बनाती है, पेप्सिनोजेन बनाती है जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, तो इसके बाद ये गैस्ट्रिक लाइपेज भी बनाती है चीफ सेल्स। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, लाइपेज मतलब ये लिपिड के साथ कोई एक्टिविटी शो करता है, और ये गैस्ट्रिक वर्ड है मतलब कि ये स्टमक में सिक्रेट हो रहा है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज स्प्लिट द ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये ट्राइग्लिसराइड को जो है किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड प्लस मोनो ग्लिसराइड्स में। कौन कन्वर्ट करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो इसके बाद पैरेटल सेल की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पैरेटल सेल क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl, और HCl का काम क्या है, इट किल द माइक्रोब्स इन द फूड। जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उसमें अगर कोई माइक्रोब्स है तो वो HCl के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो किल हो जाते हैं। और उसके बाद ये और क्या करता है, HCl ये प्रोटीन को डीनेचर्स करता है, कन्वर्ट द पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। ये देखिए यहाँ पर कि जो चीफ सेल पेप्सिनोजेन बना रही थी जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, पेप्सिन में जो कन्वर्ट हो रहा था वो किसकी हेल्प से हो रहा था, HCl की हेल्प से। तो यहाँ पे HCl का फंक्शन आ गया कि HCl कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन एंड देन फर्दर पेप्सिन विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड्स। उसके बाद पैरेटल सेल और क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर किस काम में आता है, नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। या आप ये बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर के बिना जो है विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, और विटामिन B12 जो है वो RBC फॉर्मेशन मतलब कि एरिथ्रोपोएसिस के फॉर्मेशन में यूज होता है, या हम विटामिन B12 को RBC का मैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो है सरफेस म्यूकोसल सेल और म्यूकस नेक सेल्स। ये क्या करती है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, म्यूकोसल म्यूकस नेक सेल। तो ये क्या बनाएगी, म्यूकस बनाएगी। म्यूकस क्या करता है, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है दैट प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ स्टमक वॉल। तो जैसे ये मान लीजिए स्टमक है इस टाइप से आपका स्टमक है, तो स्टमक में जो है यहाँ पर होता है HCl और इसकी वॉल पे जो होता है म्यूकस होता है। इस म्यूकस के होने की वजह से क्या होता है कि HCl जो है वो डायरेक्टली स्टमक वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से स्टमक वॉल जो है वो डाइजेशन से बच जाती है, डैमेज होने से बच जाती है बिकॉज ऑफ द म्यूकस। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सरफेस म्यूकोसल सेल है इनका और एक काम है एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, क्योंकि स्टमक में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का होता है, थोड़ा बहुत आयंस का होता है, कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ ड्रग्स जो है वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, और उसके बाद दे एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं जी सेल की। जी सेल जो है इट सीक्रेट गैस्ट्रिन, ये जो है गैस्ट्रिन बनाता है, जी सेल गैस्ट्रिन बनाता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द पैराइटल सेल। अब आप देख सकते हैं कि पैराइटल सेल हमने कहाँ पढ़े थे, ये पैराइटल सेल म्यूकोसा में जो होती है ना, ये देखिए दिख रही पैराइटल सेल, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो जी सेल क्या कर रहा है,
इट स्टिमुलेट द पैरासेल सेल टू सिक्रीट दी HCl. तो ये पैरासेल सेल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है. स्टिमुलेट कर फॉर व्हाट, फॉर सिक्रीटिंग दी HCl एंड चीफ सेल. ये साथ में गैस्प्रिन जो है वो और क्या कर रहा है, गैस्प्रिन जो है वो चीफ सेल को भी जो है स्टिमुलेट कर रहा है. फॉर व्हाट, फॉर सिक्रीटिंग दी मोर एंड मोर पेप्सिनोजेन. ठीक है, तो ये पैराइटल सेल को भी स्टिमुलेट कर रहा है गैस्प्रिन, और चीफ सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रहा है. इट कॉन्ट्रैक्ट्स लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर. लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, साथ में वो स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है और पायलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है. ये पायलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये जो पायलोरिक रीजन होता है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसके पास में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, जिसका पहला पार्ट कौन सा है, डियोडेनम, और ये जो है ये है आपका पायलोरिक रीजन. तो यहाँ पर एक पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, इस पायलोरिक स्फिंक्टर को ये गैस्ट्रिन क्या करता है, रिलैक्स करता है. ठीक है, दूसरा बात करते हैं मस्कुलरिस. मस्कुलरिस जो लेयर होती है उसका काम क्या है, ये मिक्सिंग वेव को जनरेट करता है. मिक्सिंग वेव मतलब जो ये स्टमक होता है इसकी वॉल में इस टाइप से एक वेव लाइक मोशन जनरेट होती है, जिसके कारण जो फूड मटेरियल होता है वो यहीं के यहीं गोल 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 घूमते हैं, जिसकी वजह से जो एसिडिक कंटेंट होता है या जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक का, उसमें प्रॉपरली जो है ये मिक्सिंग हो पाती है, किसकी, फूड और गैस्ट्रिक जूस की, है ना. तो ये मिक्सिंग वेव जनरेट कर इसकी वजह से मैसिनेट फूड एंड मिक्स इट विद गैस्ट्रिक जूस फॉर्मिंग काइन. तो गैस्ट्रिक जूस के बाद, गैस्ट्रिक जूस और बोलस के मिलने के बाद क्या बन जाता है, काइम बन जाता है. फिर उसके बाद मस्कुलर जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी जनरेट करता है. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करता है, इट फोर्सेस काइम थ्रू द पायलोरिक स्फिंक्टर. ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करता है कि फूड मटेरियल या काइम जो स्टमक में होता है उसको पायलोरिक स्फिंक्टर की तरफ ढकेलने का काम करता है. ठीक है, और पायलोरिक स्फिंक्टर ओपन्स टू परमिट पैसेज ऑफ काइम्स इनटू डियोडेनम. पायलोरिक स्फिंक्टर को बताया था मैंने कि पायलोरिक रीजन और डियोडेनम के बीच में होता है, जो कि कोई भी काइम ये डियोडेनम में कब एंट्री करेगा कब नहीं करेगा ये डिपेंड किस पे करता है, पायलोरिक स्फिंक्टर पे. जब पायलोरिक स्फिंक्टर ओपन रहेगा तब वो पायलोरिक रिजिस्टेंस से या स्टमक से डियोडेनम में जाएगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और पायलोरिक स्फिंक्टर जब बंद रहेगा तब वो नहीं जा सकता, है ना. तो व्हाट विल डू द पायलोरिक स्फिंक्टर, इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ काइम फ्रॉम द स्टमक टू डियोडेनम एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ काइम फ्रॉम डियोडेनम टू स्टमक. मतलब ये बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करता है. तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो स्टमक की डाइजेस्टिव एक्टिविटी को अगर हम देखना चाहे तो स्टमक में क्या क्या बन रहा है या क्या क्या उसके गैस्ट्रिक जूस में रहता है. सबसे पहले रहता है पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस, गैस्ट्रिन. तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चीजें जो है ये आपके गैस्ट्रिक जूस में होती है ना, और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस है. तो इस टाइप से डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो स्टमक में पूरी होती है, और पूरा जो गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन है या गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन है वो भी इसी टेबल में पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है. ओके, थैंक यू.